तो सेकेंड ओ जेई के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस पर जाएं और उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या ऐसे भी जाएं तो पेस्ट करें उसे या उस पर क्लिक करें। सॉरी एक बार और करते हैं, गलती हो गया। एंड पेस्ट एंड सर्च, ये लोडिंग लेगा। देखिए ऐसा लिखाएगा सीजन टाइम आउट, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है क्लिक हेयर टू लॉग इन अगेन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा एक नेक्स्ट पेज खुलेगा फ्रेंड्स। जैसे देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। देखिए 1 2 3 4 5 तरीक, मतलब 5 स्टेप है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो सिग्नेचर विथ सिग्नेचर, पे एग्जामिनेशन, फिर डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। ठीक है, तो आपको ये करना है, इतना स्टेप में प्रोसेस होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन आप नया रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर होगा। एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म चूज़ करना चाहते हैं, मतलब कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो चलिए हम बी फार्मा चूज़ करते हैं कि मैं बी फार्मा करना चाहता हूँ। तो बी टेक और बी फार्मा के लिए फॉर्म नंबर एफ है, फॉर्म एफ बी टेक और बी फार्मा के लिए है। तो चूज़ करता हूँ मैं इसे और अप्लाई करता हूँ। ये सेकेंड ओ जेई के बारे में बता रहा हूँ, सेकेंड ओ जेई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स मेरा जो नेट थोड़ा स्लो है। इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये कोर्स के लिए अवेलेबल है। फिर देखिए कैसे कैसे होगा, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन पहले, फिर ऑनलाइन अपलोडिंग स्कैन इमेज, फिर पेमेंट फी, फिर डाउनलोडिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज। इस पर आके आपको एग्री कर देना है टर्म एंड कंडीशन को और क्लिक हेयर टू प्रोसेस लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देना है। आपको 1000 रुपीज़ इसमें लगेंगे। ओके, इसके बाद आपको क्लिक टू प्रोसेस पे क्लिक करना है यहीं पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज खुलेगा कुछ इस प्रकार का। सॉरी फ्रेंड मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। मेरा जो जियो का नेट है मेरा खत्म हो चुका है, 2 GB लिमिट पार हो चुका है, सॉरी इसके लिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए इसके बाद आपको देखिए इस तरह का पेज खुल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि सेकेंड एंड स्पेशल ओजेई 2019 के बारे में। तो आप यहाँ पर चूज़ कीजिए कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, आइडेंटिटी टाइप, आप किस तरह से खुद को प्रूव किया करना चाहते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, और इसमें अगर आप आधार कार्ड चूज करते हैं फ्रेंड्स तो आधार कार्ड नहीं हो पाएगा इसमें, क्योंकि आधार कार्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसलिए। ओके, तो क्या है कि आपको ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप ये पूरा फॉर्म भर लेते हैं, पूरा ठीक से भरिएगा, पूरा अच्छे तरीके से भरिएगा, थोड़ा सा भी गलती होगा तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब अच्छा से भरिए। उसके बाद यहाँ पर जो कोड है ये लिखकर सबमिट कर दीजिए। ये कोड लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है या आप लिखिएगा लेकिन ये गलती शो करेगा, लेकिन 5 या 6 बार ट्राई कीजिए, ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। जैसे आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद एक नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सॉरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, उसमें फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होगा। उसमें आपको चूज़ करना होगा कि आपको जो है उड़ीसा में आप कौन कौन से सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपको 3 तरह का सिटी चूज़ करना होगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये चूज़ करना होगा, और आपका जो क्वालिफिकेशन चूज़ करना होगा कि आपने 10+2 कहाँ से किया है उसका नाम लिखना होगा, कौन से बोर्ड से किया है उसका नाम लिखना होगा, और कितना मार्क अटेंड किया है उसका डिटेल देना होगा बस। इसके बाद तो फ्रेंड देखिए जैसे ही आप सेकेंड स्टेप पार करते हैं अपना डॉक्यूमेंट, मतलब जितना फॉर्म है सब भर देते हैं डिटेल। उसके बाद देखिए इस तरह का नहीं, बल्कि देखिए आपके सामने जो शो करेगा वो शो करेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है, आप कौन कौन सा बचा हुआ है, इमेज अपलोडिंग और एप्लीकेशन फी पेमेंट बचा हुआ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने जो आपको इधर जो है 3 और 4 स्टेप जो है वो बचा हुआ है। ओके, यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा कि आप अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कीजिए, तो ईमेल आईडी का भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इसको भी वेरीफाई कर लीजिए आप, और मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन आएगा तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए, तो दोनों ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आता है अपलोडिंग इमेज, पहला एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा आता है फॉर्म भरना, पूरा फिल द डिटेल्स ऑल डिटेल्स भरना, और तीसरा स्टेप में आता है कि आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, आपका सिग्नेचर और आपका एक फ़ोटोग्राफ और आपका जो है एक लेफ्ट या राइट हैंड का
फिंगरप्रिंट शायद लेफ्टी का ही है, मुझे पूरे टर्म एंड कंडीशन के बारे में मालूम नहीं है, आप जाके गूगल पे सर्च मार सकते हैं कि लेफ्ट का चाहिए राइट का चाहिए, लेकिन मुझे लगता है लेफ्ट का ही चाहिए, लेफ्ट का थंब चाहिए। ओके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, फोटोग्राफ थम्स और सिग्नेचर। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटो शो होगा, ये फोटो ही लगाना है, स्कैन करके लगाना। देखिए, प्लीज अपलोड द फॉलोइंग स्कैन फाइल केयरफुली इन JPG फॉर्मेट ओनली, यानी JPG फॉर्मेट में इंस्टॉल करके मतलब लगाना है इसको। फोटोग्राफ का साइज इतना होना चाहिए, थंबनेल का साइज इतना होना चाहिए, थम्स का सिग्नेचर का इतना। जैसे आप लगा देते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, मैंने अभी अपलोड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास स्कैनर नहीं है, मुझे दुकान जाना पड़ेगा मार्केट में और करना पड़ेगा, तो मैं कल जाऊँगा। तो फ्रेंड्स इस जैसे ही आप अपलोड करते हैं, अपलोडिंग करने के बाद आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फी पेमेंट जैसे ही आप 1000 या जो भी अपने अकॉर्डिंग करते हैं अपने कोर्स के अनुसार, उसके बाद आपको जो है एक क्या बोलते हैं पर्ची या रसीद आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा और उसको प्रिंट निकालना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट लेकर के रखना होगा। उसके बाद जो भी डेट है उसमें उसमें आपको मालूम चल जाएगा, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड का एग्जाम दीजिए, ये फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके बाय, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जरूर से ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व जरूर करूँगा उसी वक्त।